दिल्ली के एग्जिट पोल्स से ये साफ हो चुका है कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। पर एग्जिट पोल्स का क्या है, इनकी सच्चाई तो हमेशा ही सवालों से घिरी रहती है। शायद इसलिए एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर बीजेपी को यकीन नहीं है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक आपको सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन सीटें बहुमत से कोसों दूर हैं और कांग्रेस की स्थिति इस बार भी डावाडोल है। फिर भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि उन्हें हर बूथ पर बीजेपी की लहर दिखाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाए। संतोष ने ट्वीट किया कि एग्जिट पोल्स में कई महत्वपूर्ण फैक्ट को नजरअंदाज किया गया है, इसलिए एग्जिट पोल्स सही नहीं है। बीजेपी का ये भी दावा है कि पार्टी 38 सीटों तक हासिल कर जीत दर्ज करवाएगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी जीतेगी या आप मारेगी बाजी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।